नमस्कार, जल जीवन और हम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ नेहा त्रिपाठी। आज मुझे पानी पर चर्चा करनी थी, तो कल रात से ही दिमाग में पानी घूम रहा था और रात को सपने में भी पानी ही आया और सुबह एक भयानक सपने के साथ मेरी आँख खुली। मैंने सपने में देखा कि नल में पानी नहीं आ रहा है, सब लोग परेशान हैं। पता चला कि नल में अब पानी आना बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। नल से बहता पानी अब मिलेगा ही नहीं, बल्कि राशन की दुकानों पर पानी खरीदना पड़ रहा है। लंबी लाइन लगी है, किसी को दफ्तर जाने की जल्दी है, किसी से प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक बच्चा तो पीने के पानी के लिए रो रहा है, तड़प रहा है। इस सपने ने मुझे डरा दिया, मैं चौंक कर उठ गई। शुक्र है कि ये एक बुरा सपना था, लेकिन जो हालात हैं उनकी वजह से आगे ये सपना सच भी हो सकता है। पूरी दुनिया में पानी की कमी है, लेकिन हम आज भी इसे मुफ्त की चीज समझते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं राजेंद्र सिंह जी, जिन्हें भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। राजेंद्र सिंह जी ने अपना पूरा जीवन पानी को समर्पित कर दिया। उन्होंने पानी के लिए तरसती नदियों, सूखे तालाबों, मर चुकी बावड़ियों और जल संकट से संघर्ष कर रहे गांव को पानी का वरदान दिया है। वे हर रोज ये साबित करते हैं कि जल ही जीवन है। उन्हें मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन उनके काम का दायरा किसी भी अवार्ड से बहुत बड़ा है। और मैं स्वागत करना चाहूंगी जाने माने साहित्यकार और वरिष्ठ पत्रकार विजय किशोर मानव जी का। मानव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मानव जी ने विज्ञान के छात्र के रूप में पानी के विज्ञान को गहराई से समझा, एक पत्रकार के रूप में खबरों की धाराओं में पानी को शामिल किया और अपनी गजलों और शायरी में पानी को लेकर बहुत कुछ लिखा और इसे सामाजिक संवेदना का विषय बनाया। मानव जी की बातों में आपको पानी के विज्ञान, उसके दुरुपयोग और काव्य का संगम देखने को मिलेगा। अपनी बातचीत को शुरू करते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी राजेंद्र सिंह जी, पानी को आजकल नई नई संज्ञाएं दी जाती हैं। कभी उसे तरल सोना कहा जाता है, तो कभी उसे 21वीं सदी का पेट्रोलियम। यानी पानी के लिए भारी कीमत चुकाने का समय शुरू हो चुका है। देखिए, इस वक्त पानी को जब से कुछ बड़ी कंपनियों ने बाजार बनाना शुरू किया है, तब से बहुत सारे लोग बेपानी हो रहे हैं जी। और जो पानी है वो गंदा नाले की तरह बह रहा है जी। जी, मैं अपने बचपन में किसी भी नदी में जाके पानी उठा के पी सकता था। आज भारत की कोई नदी ऐसी नहीं है जिसका पानी उठा के पी सकूं। जी, बड़ी नदियाँ, गंगा यमुना जैसी नदियाँ गंदे नाले बन गई। बम्बई की पांचों नदियाँ, किसी भी शहर में चले जाइए, सब नदियाँ नाले बन गई हैं। ये नाले बनाई गई या नाले बन गई, ये एक बड़ा सवाल है। जी, जी, जी। क्या पानी के बाजार ने इनको नाले बनाया, वो अपना पानी बेच के पिलाना चाहता था? जी, जी, जी। क्या हमारी भूल के कारण ये नाले बने? क्या हमारी लापरवाही के कारण ये नाले बने? पर यदि थोड़ी हिस्ट्री समझने की कोशिश करें तो भारत में नाले, नदियों को नाले बनाने का काम 1932 में शुरू हुआ। जब हॉकिंस बनारस के कमिश्नर थे और देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक बहुत ही शूडो आईसीएस को, हॉकिंस को बनारस भेजा और उसको कहा कि इन भारतीयों को ज़रा मजा चखाओ। तो उसको और कुछ ज़्यादा नहीं सूझा, उसको लगा कि ये लोग जल को जीवन मानते हैं, भगवान मानते हैं, गंगा को ये माँ मानते हैं। तो यहीं से उसने शुरू किया और पहली बार 1932 में हॉकिंस ने एक दो लाइन का जीआर निकाला जिसमें लिखा है, फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द बनारस सिटी वी कैन लिंक 3 ड्रेन डायरेक्ट विद गंगा। उन दिनों पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे। जैसे ही उनको पता चला तो वो तो जा दमके और उन्होंने कहा, मिस्टर हॉकिंस, यू नो व्हाट इज माय रिलेशन विद गंगा? उसने कहा, यस सर, आई नो माय लॉर्ड, गंगा इज योर मदर, बट नाउ यू कैन डिसाइड, द इंडियन पीपल कैन डिसाइड इफ दे वॉन्ट द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी, सो ओनली वे आई कैन डू। उनके साथ और 3 प्रोफेसर थे, उनमें से एक ने कहा, सर, देश आजाद हो जाएगा तब गंदा पानी रोक देंगे, अब ये थोड़ा पैसा आ रहा है जी, जी। उनकी पार्लियामेंट ने दिया है तो इसको जरा खर्च हो जाने दो विकास में। बाजारीकरण की बात की, पानी के बाजारीकरण की। आजकल जैसे हम पानी की बोतल खरीदते हैं तो उसका पानी हम एक एक बूंद पीते हैं,
फिर वो बोतल घर ले जाके उसमें और कुछ दिन उसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमने उसके लिए पैसे दिए हैं। तो ये जो मतलब इस तरह से पानी को जब हम खरीद रहे हैं तो हम उसे अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, मानव जी क्या अगर पानी के लिए सच में कीमत चुकानी पड़े, पानी की कीमत पेट्रोल जितनी हो जाए, तो क्या इसका दुरुपयोग फिर हम कम करेंगे? मुझे लगता है कि हमारी समस्या शायद दुरुपयोग से पहले की भी है कि हमारे पास पानी है क्या। ये जो कंपनियां पानी लाती हैं और वो हमें बेचती हैं, इसके पीछे का एक पूरा विज्ञान है। उन्होंने ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई हैं कि पहले हम बहुत दुखी करेंगे हमको कि हम गंदा पानी पियेंगे, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके बाद में ये पानी ले आएंगे। इसमें भी कितनी सफाई और कितना हमारे लायक है या नहीं है इस बात की कोई कहा कह नहीं सकते आप कि ये सचमुच ठीक ही है। लेकिन जो पानी हमारे पास कम है, हम पानी इकट्ठा नहीं कर रहे। हम पानी इकट्ठा नहीं करेंगे जो हमारा बह जाएगा। समंदर तो हमने बचपन से पढ़ा था 3 गुने हैं, धरती से 3 गुना पानी है। पानी तो है जी। और पानी हमारे पास इकट्ठा नहीं होता है, पानी जो बरसता है वो नदियों के जरिए सब बह जाता है, समंदर तक चला जाता है, हम उसका कोई रास्ता नहीं बना पाते। नदियों का पानी वैसे भी कम इस्तेमाल होता है, जो हमारे हिमशिखर हैं उनसे जो आया हुआ पानी है उसे हम आराम से रोक सकते हैं। हम जो बरसात का पानी है उसे बहुत आराम से रोक सकते हैं। हमारी जो परंपरा है वो है जितना पानी मिले ईश्वरीय प्रकृति से उतना ही खर्च करें। उतने में हमारी पूरी परंपरा में यही है कि हम पानी का वेस्ट तभी नहीं करते थे जब हम खींच के कुएं से निकालते थे, उसको पूजा के लिए, तो काम के लिए, खाने के लिए, सब चीज में, और उसी पानी से बहुत सारी चीजें होती रहती थी। हम बहुत सारी चीजें अब वो नहीं कर सकते क्योंकि साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो वो उपयोग के लायक नहीं रहेगा, रिसाइकिल करना पड़ेगा। तब तो रिसाइकिल की जरूरत ही नहीं होती थी, हम वो चीजें इस्तेमाल करते थे जिनसे वो ठीक हो जाता था। मेरा ये कहना है कि पानी को लेके व्यक्ति परक पानी का सोच बनाना पड़ेगा। हर व्यक्ति जो पानी खर्च करता है उस पानी को वो प्रिजर्व करे, वो कहाँ से बनाए करे, उसमें हिस्सा बांटी करे, जो सरकारी योजना है तो, या अपनी योजना है तो, या उसकी मदद से कोई योजना बन सकती है तो इस पे काम करे। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। हम इन्हीं आदतों पर और इससे जो बदलाव हम ला सकते हैं पानी को लेकर, कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि आपको पानी किसी ऐप से मंगाना पड़े, जैसे आजकल आप अपना खाना मंगाते हैं, या पानी को भी अपने मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज करना पड़े अपने जीवन में। इसमें आप क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ईडी साइंस भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और दूरदर्शन की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में सोमवार से शनिवार शाम 5 से 6 बजे तक विज्ञान समर्पित कार्यक्रम के लिए दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर 1 घंटे का समय निर्धारित है। डीडी साइंस भारतीय संस्थानों और विज्ञान की प्रयोगशालाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले नवीनतम विकास और देश व दुनिया के विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों और समाचारों को दिखाएगा। ये कार्यक्रम विज्ञान प्रसार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया विज्ञान प्रसार की आधिकारिक वेबसाइट www.vigyanprasar.gov.in पर जाएं। जी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले जो हम बातचीत कर रहे थे उससे ये निकल कर आया कि हमें पानी को अपने डीएनए में लाना होगा, तभी हम पानी की जो कमी है उसका मर्म समझ पाएंगे। राजेंद्र जी, जिस तरह से पानी की कमी हो रही है, बैंक में जब बैलेंस होता है उसका मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है वरना फाइन लगता है, पानी का मिनिमम बैलेंस कहाँ आकर के रुक जाता है जिसके नीचे पानी इस्तेमाल करने पर फाइन लगने लगे या पानी इस्तेमाल करने ही नहीं दिया जाए, लोगों को मिलना ही बंद हो जाए? देखिए, इस वक्त भारत में वही स्थिति है। जी, जब भारत का 2/3 भूजल का भंडार खाली हो और शहरों की बसावट बढ़ती जा रही हो, तो अब जो स्थिति है वो धरती से पानी और निकालने का की आज़ादी हमें नहीं देता, लेकिन हमारा राज समाज दोनों लापरवाह हैं।
दोनों नहीं सोच रहे हैं कि आने वाले कल में हम कैसे जिएंगे, कहाँ से पानी आएगा। मैं ये जानता हूँ कि भारत में अभी भी जो जहाँ लोग इस पानी को समझते हैं और अपने आने वाले कल के संकट को जानते हैं, उन लोगों ने जहाँ दुनिया का सबसे कम पानी बरसता था राजस्थान जैसी जगह पर अपनी सूखी हुई मरी हुई नदियों को शुद्ध सदाब नीरा बना लिया। और एक नदी नहीं, नौ नदियाँ, अरवरी, रूपारेल, सरसा, भगानी, जहाज वाली, साबी, महेश्वरा और सेरनी, तिवरा, वो इसलिए बना पाए कि उनको अपना भविष्य का संकट दिख रहा था। जी जी जी। तो इस वक्त ये जो पानी, आप जिसको डीएनए कहती हैं, डीएनए में कोई चीज जो उसका संस्कार है, जो उसका व्यवहार है, जी, जी, जी। उसमें से बनती है, उसमें से विकसित होती है। डीएनए उसी को कहते हैं जो उसका उसका व्यवहार और उसका संस्कार बताता जी, हो। जी, जी। तो आज हमें इस देश में एक ऐसी वाटर लिटरेसी मूवमेंट की ज़रूरत है, एक ऐसी जल साक्षरता की ज़रूरत है जो हमें जितना हम इस धरती से लेते हैं उतना वापस लौटाने का संस्कार हमारे अंदर पैदा करें। हम जो पानी है उसका बाप तो पेड़ है और माँ तो धरती है, और उसको बनाने का काम सूरज करता है। सूरज से जब लाल गर्मी निकलती है तब उसके अंदर O2 और H2O नहीं होता, लेकिन समुद्र के खारे पानी को डिसेलिनेट करके बादल बनाता है। वो लाल गर्मी समुद्र के खारे पानी को मीठा करके नीली गर्मी में बदल देता है। जी, जी, और फिर जब ये नीली गर्मी के बादल हरियाली की तरफ बढ़ते हैं तो वहां जहां हरियाली है उसमें जो प्राणवायु है वो उस प्राणवायु उसको आकर्षित करती है और वो बरस जाते हैं। जी, जी, जी। तो वही जब नीली गर्मी हरी गर्मी के ऊपर आके बरसती है और फिर मिट्टी में जाकर वो एक नया जीवन देती है जिसको हम पीली गर्मी कहते हैं। तो ये जो पानी का जो पूरा निर्माण की प्रक्रिया है, जी, जी, इस पानी की निर्माण की प्रक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट रोल सूरज का है। सूरज ही पानी, जो समुद्र का जो खारा पानी है उसको डिसेलिनेट करता है। जी, जब आदमी की बनाई हुई मशीन समुद्र के खारे पानी को डिसेलिनेट करती है तो 60% और उसका पॉल्यूटिंग कंटेंट बढ़ा देती है, लेकिन सूरज कभी भी समुद्र के खारे पानी को डिसेलिनेट करते हुए उसका पॉल्यूशन नहीं बढ़ाता। तो हमें जरा इस 21वीं शताब्दी में जो चैलेंजेस हैं वो प्रकृति को समझने के चैलेंजेस हैं, इनको समझ के हम अपने डीएनए में तभी ला सकते हैं जब हमारे व्यवहार में, हमारे संस्कार में वो चीजें आ जाएं। इसलिए मुझे अपने इस देश के बच्चों को और बड़ों को और अपने युवाओं को यही कहना है, भाई तुम्हें यदि अपनी सेहत ठीक रखनी है तो फिर धरती की सेहत और पानी की सेहत, नदियों की सेहत ठीक रखने के बारे में जरा सोचो और बात करो। हमारे यहाँ कहावतें और मुहावरे भी हैं जो पानी से जुड़ी हुई हैं, घाट घाट का पानी पीना, जब घाट नहीं रहेंगे पानी नहीं रहेगा, इस तरह की कहावतें मुहावरे ये तो आउटडेटेड हो जाएंगी समय के साथ। देखिए हमारे यहाँ की जो परंपरा थी वो तो ये थी कि कोई आए तो जरा सा मीठा और जरा सा पानी। जी जी बिल्कुल। अब जब आप 50 रुपए की बोतल खरीदेंगे तो पानी पिलाएंगे क्या? कहेंगे भैया थोड़ा सा कुछ ले लो, लेकिन पानी तो और है नहीं। मेरा अभी जो हमारे जल पुरुष कह रहे थे, जल पुरुष एक ऐसा मॉडल है जैसे कई और मॉडल्स की इस देश को जरूरत है, लेकिन कोई अपना पूरा जीवन छोड़ के इसमें लग जाए, इस काम में, ऐसा आसान तो है नहीं। मुझे लगता है कि हमारे राज की ये व्यवस्था, हमारे समाज की व्यवस्था, राज जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने इस समय की तमाम समस्याओं को जो फौरी हैं उनको निपटाने के साथ साथ ये भी सोचे कि हमारा कल बहुत खराब होने वाला है, तो पानी के बारे में सोचे, हवा के बारे में और चीजों के बारे में। जी जी। तो पानी जो हमारी समस्या है वो कल के लिए है और इसके लिए आज ही से ऐसे युग पुरुषों को तैनात करना पड़ेगा। ये तो स्वेच्छा से आए, ये तो अपनी मन से कर रहे हैं, इन्हें ये पता है कि महाराष्ट्र में कहाँ पानी कम है, कर्नाटक में कहाँ कम है, वहां चले गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी गली में जिन लोगों ने बोरिंग करा रखे, सब मना है, हर घर वाला बोरिंग करा रहा है, क्योंकि एक महीने पानी जब नहर की सफाई होती तो नहीं आता, तो हर आदमी उसे एक महीने से परेशान है और वो नाजायज ढंग से बोरिंग करा रहा है। वो इसकी कोई बोरिंग या कोई सामाजिकता नहीं कि हम अपनी छत का पानी उसे ड्रेन करें और अंदर धरती में जाने दें, कहीं किसी अंतर धाराओं में चला जाए पानी और वो हमें और सिंचित करे, जो हमारी सिक्त है धरती, जल सिक्त धरती है। हमारा देश जो है भाग्य से
ये सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पानी अच्छा है, हाँ, बारिश होती एक है। मैं ये और कहना चाहूंगा, इन्होंने तो बड़ा काम किया है। हमारे देश में तालाब बावड़ी और ये सब थे, हाँ, लेकिन पानी की खपत कम थी, तो हमारी उतने भर से भी काम नहीं चलेगा कि उतना पानी हो जाए जितनी बावड़ियां जितने तालाब थे। मुझे लगता है कि खेती हमारी जो है सब पानी पी जाती है, ऐसी खेती है, इसे ठीक करें, 85% पानी उसी में चला जाता है दुनिया भर का, हमारा ही अकेले नहीं। तो खेती ऐसी करें, उद्योग ऐसे करें, मकान बना रहे हैं, सारा पानी हम मीठा पानी खा रहे हैं, मीठा पानी पीने को नहीं है, मकान खाए जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमें और पानी जुगाड़ना पड़ेगा। हम परंपरा वाले देश हैं जहाँ पानी की पूजा होती, लेकिन अन्य देशों में हमसे 10-10, 20-20 गुना पानी इकट्ठा करके रखते हैं। जो पानी बरसता है वो कम होता है, वो तो हम इकट्ठा करते हैं। जब अगर हमारे पास बैंक रहेगा, गाँव में जलाशय तो बने रहेंगे, प्रवृत्ति है कि हाँ, जो इंद्र देवता जो पानी बरसा रहे हैं उसको सहेजा जाए, संभाला जाए, तो गाँव के लोग इसको लेकर जागरूक है, शहरों में इस तरह की चीजें कम है। देखिए, जो मानव जी कह रहे हैं ना कि भारत में रेस्पेक्ट था पानी का, कोई भी घर में आए तो सबसे पहले पानी गिलास में उसको परोसा जाए। भारत दुनिया में अकेला देश है जहाँ पानी के बारे में सिक्स आ रहे हैं, रेस्पेक्ट, रिड्यूस यूज ऑफ वाटर, रिट्रीट, रिसाइकल, रीयूज एंड रिजुनेट नेचर बाय वाटर। ये जो सेंसिबल साइंस थी भारत की पानी की, वो आज नहीं दिखती, ना हमारे राज्य में दिखती, ना हमारे समाज में दिखती। इसलिए यदि हम सचमुच अपने भारतीय ज्ञान तंत्र से, अपने इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम से, इंडियन विजडम से, अपनी परंपराओं को ही जरा उकेर के देख लें, तो अभी भी हम पानी के मामले में बेपानी नहीं हुए हैं। लेकिन जबकि हम मुझे लोग कहते हैं, राजन भाई तुम बहुत हमेशा अच्छे सपने देखते हो, तुम्हें खराब सपने नहीं आते। मैं खराब सपने मुझे इसलिए नहीं आते कि मैं अपने देश को डराना नहीं चाहता। हमारे पास जो कुछ है यार, उससे अच्छे आगे बढ़े ना, हम उससे कैसे आगे जा सकते हैं। इसलिए मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि आज भी हम खड़े हो जाएं तो हम सचमुच अपनी नदियों को शुद्ध सदानीरा बना लेंगे, अपने तालाबों को दोबारा पानीदार बना लेंगे, और हम भारत की धरती का पेट अगले 5 सालों में भर सकते हैं। अभी जो डिस्चार्ज और रिचार्ज की रिलेशनशिप है, इसके लिए एक अनुशासित कानून बन जाए, एक अनुशासित करने वाला एक तो एक कानून पास हो जाए कि नहीं, जो जितना धरती से पानी निकाल रहा है उतना पानी को ठीक करके कैसे अपने दूसरे जीवन के दूसरी जरूरतों को पूरा करने में लगाएगा, और उस पानी को जितना उसने निकालने की इजाजत दी उतना ही वर्षा के पानी को पकड़ के धरती के पेट में डालेगा। तो ये जो इकाई से हो जाए, एक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को ये जरूरी हो जाएगा तो बनेगा, और इकाई से दहाई, दहाई से सैकड़ा बनेंगे, लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, और ऐसी आप जैसे लोगों के जरिए करना पड़ेगा, क्योंकि वो गांव में सरकार तो जाती नहीं, गांव में जाता वसूली करने वाला अमीन तहसीलदार, उसकी बात कौन सुनेगा, आपकी बात में जान होगी क्योंकि आप इतनी दुनिया करके आए हो। जी जी, तो ये चीज चलेगी। अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, अभी हमने हमारी आपकी आदतों की बात की, ब्रेक के बाद हम किसानों की आदतों की भी बात करेंगे, क्योंकि किसानों की आदतों से भी बहुत फर्क पड़ता है कि कैसे पानी को बचाया जा सके। एक छोटे से ब्रेक के बाद डीडी साइंस भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और दूरदर्शन की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में सोमवार से शनिवार शाम 5 से 6 बजे तक विज्ञान समर्पित कार्यक्रम के लिए दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर 1 घंटे का समय निर्धारित है। डीडी साइंस भारतीय संस्थानों और विज्ञान की प्रयोगशालाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले नवीनतम विकास और देश व दुनिया के विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों और समाचारों को दिखाएगा। ये कार्यक्रम विज्ञान प्रसार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया विज्ञान प्रसार की आधिकारिक वेबसाइट www.vigyanprasar.gov.in पर जाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी,
अगर किसानों की आदतों की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत सिंचाई की है, तो सिंचाई की ऐसी कोई तकनीक भी हो सकती है? जैसे भूमिगत जल एक अलग मुद्दा है और सिंचाई की जो उनकी ज़रूरतें हैं उसमें हम कैसे उनकी मदद करें? देखिए, आज भारत में किसानी, जवानी और पानी, इन तीनों पर संकट है। जी, ये जो किसानी है, इस किसानी में 85% 84% पानी हमारा धरती के पेट से निकाल के हम किसानी पर खर्च कर रहे हैं। हमें ये सोचना होगा कि हमारा जो फसल चक्र है और जो हमारा वर्षा का चक्र है, जो हमारे पास जल की उपलब्धता है और जो हमारी मिट्टी की जो आर्द्रता है, मिट्टी में जो नमी को बचा के रखने का जो हमारा व्यवहार है, उसमें कौन सी फसलें कम पानी से अच्छी हो सकती हैं, अच्छा उत्पादन कर सकती हैं। जैसे मैंने राजस्थान में अपनी मस्टर्ड, पूरे इलाके में मस्टर्ड की इतनी लंबी जड़ होती है, यदि दो तीन महीने बारिश नहीं भी हुई तो भी वो जिंदा रहती है, क्योंकि वो नीचे तक टिकी रहती है। तो हमें हमारी फसलों का चक्र और हमारी वर्षा का चक्र, इसको जोड़ना होगा। किसानों के लिए कुछ और विकल्प मानव जी आप सुझाना चाहेंगे? मेरा तो ये कहना है कि देखिए, ये 67 के बाद की बात, जब हमने हरित क्रांति के बारे में सोचा, तब हमने, हमारा विकास हमेशा अक्सर ऐसे ही होता रहा है कि हमें जो अनिवार्य हो जाती है बात, कोई इमरजेंसी आ जाती है जिस चीज़ की, हमारे पास खाने को नहीं है, तो हमने अनाज उगाने के लिए जान लगा दी और उसके लिए ये फसल वो फसल तीनों फसलें बोने लगे और उसमें सब जगह जमीन के पानी का इस्तेमाल करने लगे। वो तो ठीक हो गया कि हरित क्रांति हो गई, हम सेल्फ सफिशिएंसी हमको मिल गई हमारे खाने की चीज में, तो ठीक हो गया। लेकिन पानी हमने खा लिया और पानी इतना ज्यादा खेती में लगता है, हमने ये सोचा ही नहीं कि खेती का प्लान कैसे करें। आज जो राजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, ये पॉकेट्स में हो रहा है, ये सारे देश में हो, क्योंकि इसमें बहुत आसानी से हो सकता है कि 3 महीने जो फर्ज पानी बरसने के हैं, थोड़े थोड़े पानी बरसता रहता है, उन महीनों में अधिकांश बो लिया जाए, उगा लिया जाए। हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बुरी आदतें धीरे धीरे स्वभाव बन जाती हैं और फिर वही स्वभाव चरित्र बन जाता है। इस वाक्य में केमिस्ट्री की इक्वेशन नहीं है, फिजिक्स की थ्योरी नहीं है, बल्कि इसमें पानी के संरक्षण का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सूत्र है। एक लाइन में बात कहूं तो हमें पानी को मुफ्त की चीज समझने के बजाय उसका सम्मान करना सीखना होगा। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपनी राय और सुझाव आप हमें नीचे दिए ईमेल आईडी पर बता सकते हैं। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।